नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने लाइफ में मजे ले रहे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में अगर आप अपनी किसी मनोकामना को पूरी करना चाहते हैं, अगर आपकी कोई इच्छा है जिसे लेकर आप काफ़ी समय से परेशान हो रहे हैं पर वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताने वाली हूँ। बहुत ही अचूक उपाय है, अचूक टोटका है। इसे करके आप अपनी कितनी भी कठिन वाली मनोकामना हो, कितनी भी परेशानियाँ वाली हो, प्यार से रिलेटेड हो, सफलता से रिलेटेड हो, परीक्षा से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, मतलब कोई सी भी अगर समस्या है, मनोकामना है, इसे आप पूरी कर सकते हैं। तो क्या करना है, बस एक आसान सा टोटका करना है और वो टोटका मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी हिट कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से मेरे चैनल पर आए दिन मैं आप लोगों के साथ में मनोकामना से रिलेटेड, वास्तु दोष, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसी वीडियो शेयर करती रहती हूँ, तो आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू। तो दोस्तों, ये उपाय आपको करना है शनिवार के दिन। शनिवार के दिन सूर्योदय होने से पहले या सूर्यास्त के बाद किसी भी पुराने पीपल के पेड़ के पास जाएं, लेकिन ध्यान रहे आपको थोड़ी सी लाल स्याही, थोड़ा सा लाल कपड़ा और लाल कलावा, मतलब लाल धागा जिसे कहा जाता है, वो अपने साथ में ले जाना होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें लेकर आप पीपल के यहाँ चले जाएंगे। फिर आपको अपने साथ एक आटे से बना दीपक भी ले जाना है, मगर ध्यान रहे दीपक गाय के घी का ही होना चाहिए। अब आप सबसे पहले पीपल के पेड़ पर आटे का दीपक जला दें। इसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। चालीसा का पाठ पूरा हो जाने के बाद पीपल के पेड़ में ही लगे पीपल के एक बड़े पत्ते पर अपनी मनोकामना लिख दें। ध्यान रहे पीपल के पत्ते पर आप जब मनोकामना लिखेंगे तो पत्ता टूटना नहीं चाहिए। इसके बाद जिस पत्ते पर आपने अपनी मनोकामना लिखी है, उस पत्ते वाली डाली पर आपको 7 बार एक कलावा बांध देना है। जो लाल लच्छा हम हमारे साथ में लेकर गए हैं, उसे आपको उस डाली पर ही बांधना है 7 बार। ठीक है, 7 बार इसे आप अच्छे से बांध देंगे और उसके बाद में आपको क्या करना है, इस बीच ध्यान रहे लाल कलावा आपको ढीला बांधना है। ठीक है, बिल्कुल ढीला बांधे, पत्ते को आपको डाल से तोड़ना नहीं है। और पत्ते वाली डाली पर कलावा बांधने के बाद आप भी अपने हाथ पर 7 बार इस कलावे को, मतलब इस लाल लच्छे को बांध लेंगे। डाली पर भी बांधना है 7 बार लपेटकर और 7 बार अपने हाथ पर लपेटकर बांधना है। अब अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ कर या खड़े होकर ओम ह्रीम वट स्वाहा, इस मंत्र का जाप आपको 108 बार श्रद्धा पूर्वक करना है। ये सारा काम कर लेने के बाद में अब आप पीपल के पेड़ के नीचे की एक चुटकी मिट्टी को लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर ले आएं और उसे घर की तिजोरी में या धन रखने वाली जगह पर रख दें। इस अचूक उपाय को आपको शनिवार के दिन करना है और क्या होगा, ऐसा कर लेने से आपकी जल्द ही सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। आप इस उपाय को कीजिए। आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हुआ हो या कहीं पर कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगी। ये एक चमत्कारी उपाय है, चमत्कारी टोटका है। इसे करने से 100% आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, तो आप इसे करिए ज़रूर। फिर जब रिज़ल्ट मिलेगा मेरे साथ में शेयर ज़रूर करना। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी आपसे नई किसी जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।